एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंगार जोन के नए एपिसोड में। बजाज चेतक हम सब जानते हैं प्री लॉन्च या डेब्यू हो चुका है। उसकी लुक एक रेट्रो लुक प्रीमियम कैटेगरी में इसको कह सकते हैं रखा गया है। प्राइस का आइडिया नहीं है, स्पेसिफिकेशन ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट स्टिल एक वहाँ इवेंट में दिल्ली में एक बात कही थी राजीव बाजेज ने कि प्राइस के रिगार्डिंग के प्राइस इज अट्रैक्टिव बट नॉट अग्रेसिव। अब इसका क्या मतलब है इस पर भी बात करेंगे, जो थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन फीचर्स की डिटेल निकल कर आई उस पर भी बात करेंगे। और एक और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ एथरा 450 के साथ कंपटीशन रहेगा बजाज चेतक का, तो उस रिगार्डिंग उसके आसपास प्राइस कम ज़्यादा कितना हो सकता है। और लास्ट में क्योंकि एक मेन स्ट्रीम कंपनी पहला कोई ऐसा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका हमें क्या बेनिफिट रहेगा आगे चलकर इस चीज़ का, एज ए मेन स्ट्रीम कंपनी कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके बेनिफिट क्या रहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। प्राइस की बात दोस्तों लास्ट में करेंगे, उससे पहले जो कुछ स्पेसिफिकेशन या फीचर्स क्लियर हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। मोटर लिथियम बैटरी पैक का नहीं अभी क्लैरिटी हुई है, बट जो मोटर है वो 4 किलोवाट रहेगी। ये एथर 450 से थोड़ी छोटी है, एथर में 5.4 किलोवाट का मोटर यूज किया गया जो कि 20 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। यहाँ एक जो थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि जो लिथियम आयन बैटरी पैक है वो नॉन रिमूवेबल है, मीन्स आप उसको निकालकर घर पर ले जाकर चार्ज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं दी गई है। इसका मैं बिल्कुल इस बात को थोड़ा नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, बाकी सभी तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट ये एक नेगेटिव है क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी का घर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है या घर जो कि पार्किंग है स्कूटर्स की वो घर से थोड़ी दूर खड़ी करनी पड़ रही है, वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ऐसे में फिर वो चार्जिंग कैसे होगी, ये एक इशू रहेगा। अब इस पर मे बी कोई ना कोई सोल्यूशन ड्यूरिंग लॉन्च जब होगा कुछ इस तरह का सोल्यूशन रखा जाएगा, तो उम्मीद है कि ऐसा जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। आगे बात करते हैं, दो हमें मोड मिलेंगे यहाँ पर, इको एंड स्पोर्ट्स। ऑन रोड एक्चुअल की बात कर रहे हैं, आरआई सर्टिफाइड की जैसे जनरली सभी करते हैं वो बात नहीं है। यहाँ जो सबसे अच्छा लगा मुझे वो यही है कि एक्चुअल ऑन रोड की रेंज की बात की है यहाँ पर। इको मोड में आपको 95 किलोमीटर मींस मिलेगा और स्पोर्ट्स मोड में आपको 85 किलोमीटर की 85 किलोमीटर की रेंज आपको कंपनी क्लेम करीब इतना आपको मिलेगा मिनिमम ऑन रोड। अब प्राइस की से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में स्कूटर आता है, अगर आप इसकी लुक देखें जैसे फोटोज में है तो प्लास्टिक क्वालिटी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, जो लेदर सीट जो सीट कवर है लेदर का वो एक प्रीमियम क्वालिटी का है देखने में, फिनिशिंग बड़ी नीट है, प्रीमियम लुक एक आ रही है। स्पेशली कुछ जैसे इसके जो स्विचेज हैं बटन्स फेदर टच स्विच इसके इस्तेमाल किया गया, LED विद डे टाइम रनिंग लाइट, ये सब फीचर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन उसके अलावा क्योंकि अब हर चीज अगर प्रीमियम यूज करेंगे फिर तो वही प्राइस अगर एथर से भी ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में दिक्कत आएगी। प्राइस मुझे पूरा उम्मीद है कि एथर 450 से कम रहेगा। अब उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, उन्होंने सिर्फ फ्रंट पर डिस्क ब्रेक दी है, पीछे आपको रियर में सिंपल ड्रम ब्रेक ही मिली है। इसके अलावा जो कंसोल था डिजिटल मीटर कंसोल उस वो भी देखने में लुक अच्छी है, बट स्टिल वो सिंपल है, वो TFT स्क्रीन नहीं है, सेम जैसे एक प्रीमियम लुक एथरो 450 में नजर आती है वैसा नहीं है, थोड़ा सिंपल है बेसिक, बट स्टिल इसकी लुक जो राउंड शेप है वो थोड़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स को कवर किया गया, थोड़ा सा डाउन रखा गया जानबूझ के ताकि जो प्राइस है उसको कंट्रोल में किया जा सके। अब फिर एक लास्ट बात दोस्तों, क्योंकि फेम 2 के अंडर इसको सब्सिडी मिल रही है, लोकलाइजेशन काफी हाई लेवल पर की गई है ताकि प्राइस को कंट्रोल में रखा जा सके। इसके अलावा जब एक मेनस्ट्रीम कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हम सब जानते हैं कि वो मास स्केल पर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें ऑटोमेशन काफी लेवल पर की गई है, जो आप अगर कुछ फोटोज जो यहाँ दिख रही है, और स्पेशली मैक्सिमम 80% जो लेडीज इस प्लांट में काम कर रही है जहां पर चेतक को बनाया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है, इस बात के लिए थम्स अप, क्योंकि ये प्रोडक्ट मास स्केल पर बनाया जाएगा और इसको इंडिया से अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल जो प्राइस है, जब हम बल्क में कोई गेम खेलते हैं तो उसका जो प्राइस हमेशा अफोर्डेबल रहता है, तो यही सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूँ कि वेटिंग फॉर मेन्स, अक्सर कहता था कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, कोई मेन स्ट्रीम कंपनी आती है तो उसका प्रोडक्ट देखेंगे। तो बिल्कुल चेतक आपके सामने है, प्रीमियम लुक है, रेट्रो स्टाइल है, फीचर्स भी बिल्कुल अच्छे, सभी आपको एट पार अच्छे मिलेंगे। अब जब लोकलाइजेशन काफी हाई लेवल पर की गई है तो ऐसे में ये जो सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि एथर का प्राइस 450 का प्राइस अभी 1,13,000 है एक्स शोरूम,
तो इसका प्राइस बिल्कुल कम से कम 8 से 10 हजार रुपये कम रहेगा, यानी कि 1 लाख से लेकर 1 लाख 10 हजार के बीच में इसका प्राइस रहेगा। लाख से ऊपर तो आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, इससे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा उन्होंने कह दिया है कि ऑलरेडी के प्राइस इज अट्रैक्टिव बट नॉट अग्रेसिव। इसका यही मतलब है कि सुनने में अच्छा लगेगा प्राइस, बट इतना भी अफोर्डेबल नहीं होगा कि जितना हम लोग चाह रहे हैं। तो ऐसे में 1 लाख से लेकर 1 लाख 10 हजार के बीच में इसका प्राइस निकल कर आने वाला है, जहां तक जो अभी तक जो भी हमारे सामने पॉइंट्स आए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, बाकी फाइनल तो हमें जनवरी 2020 में जो पुणे में मेन इवेंट रहेगा इनका लॉन्च का, वहां पर सभी क्लैरिटी हो ही जाएंगी। उससे पहले भी कोई अपडेट निकल कर आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक्स आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।